ये रिश्ता क्या कहलाता है। थैंक यू मिस्टर गोयनका, रियली अप्रिशिएट इट। आई मस्ट से कि फ्रेशर्स का पहला ही लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, विद अ यंग अचीवर लाइक यू, उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आई होप सो। लेट मी गाइड यू, कॉरिडोर से बाहर राइट पर बिजनेस मैनेजमेंट सेक्शन ए है, आपका लेक्चर वहीं होगा। और हाँ, लेक्चर से पहले एक जीरो पीरियड क्लास है, कोऑर्डिनेटर्स के इंट्रोडक्शंस है। थैंक यू अगेन एंड हैव अ लवली डे। थैंक यू। ओके सो गाइस, आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं या फिर? ओके सो गाइस, आफ्टर द अटेंडेंस वी ऑल विल एग्जिट। इससे क्या होगा ना, मास बंक होगा तो किसी एक पे ब्लेम भी नहीं आएगा, राइट? Well, excuse me, I didn't see you supporting. कोई ऑब्जेक्शन है क्या? मैंने पूछा कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं। तो फिर कोई प्रॉब्लम है क्या जो सपोर्ट नहीं कर रही हो? सपोर्ट उसे किया जाता है जिस बात से आप अग्री करते हो। And I don't agree with this. Really? You're not supporting Kunal. I pity you. You don't know what you've done, lady. बहुत महंगा पड़ेगा ये। Just wait and watch. तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं कॉलेज लेक्चर अटेंड करने आई हूँ और मैं वही करूँगी। अकेले? I don't mind. Oh, hello, auntie. ये अपनी आंटी के लिए ना घर पे दिखाना, कॉलेज में नहीं और क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। I don't like party poopers. Mood spoil कर देते पूरे की पूरा। तुम मेरे डिसीजन से इतना अफेक्ट क्यों हो रहे हो? तुम्हें जो करना है तुम करो ना। प्रोफेसर, हेलो एवरीवन, सिट सिट। आई एम प्रभा मलखानी, योर कोऑर्डिनेटर। इस रजिस्टर में आप सब के नाम हैं। वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन। प्रेजेंट मैम। इस रजिस्टर में भी गलत नाम आ गया, कब चेंज करेंगे पता नहीं। Listen, don't think कि मैम के आ जाने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। I'm still aware of the fact कि तुमने मास बंक करने से मना किया है। We are one class and यहाँ वही होगा जो majority चाहेगी। Understand? And next class हम बंक कर रहे हैं। And I don't like no for an answer. Got it? हाँ जी, खड़े हो जाओ सब लोग। क्या चल रहा है? Section A is very naughty. वहाँ किसी को पढ़ना ही नहीं है। I just finished a round of introduction there. Class पहले आप ही की है वहाँ। अब 5 मिनट में जो बेल बजेगी, वो क्लास शुरू होने की बेल होगी। So, Mr. Karthik, all the best. Thank you. You're welcome. Freshers की first class एक fresh teacher के साथ, very nice. आपकी ये class आपके लिए यादगार हो, Mr. Karthik. यादों से नफरत है मुझे। हे यू, कम ऑन। व्हाट्स अप ब्रो? बिल्कुल अच्छा हूँ। अब मुझे तुम ये बताओ, कौन है वो लड़की?
वो नैना सिंघानिया है आंटी, बट शी थिंक्स शी इज वेरी कूल, किसी की बात नहीं सुनती, बट आप लोगों की सुनेगी, आफ्टर ऑल योर सीनियर्स. ऑफकोर्स अभी देखते हैं. हेलो, नाम नैना है तो क्या नैनो से निकल जाओगी? ऐसे घूर के क्या देख रही हो? नहीं नहीं सर, वो शी इज नॉट स्टेयरिंग, वो तो बस सीनियर्स की बात काटी. नाउ पे फॉर इट, जाओ और जाके चिपकली बन जाओ, जाओ. ये फ्रेशर है, लुक्स ओल्डर. नो मैडम, की त्वचा से तो उम्र का पता ही नहीं चलता. क्या सर, आप लोग ज्यादा ही लीनियंट हो रहे हैं. बाकी कॉलेजेस में सर पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, मार्च पास्ट. ओ यस, इससे डांस करवा सकते हैं. नाइस आइडिया, चलो कम ऑन, गेट अप एंड डांस. ओ हेलो, सीनियर्स कुछ बोल रहे हैं. कौन डांस? कम ऑन. आई कांट, सॉरी, आई कांट डांस. व्हाट, हाउ डेयर यू? वो सीनियर है तुम्हारी, आड़ा टेढ़ा जैसा भी आता है, नाचना तो पड़ेगा. आप मुझे कोई और टास्क दे दीजिए, मैं कर लूंगी, मैं डांस नहीं कर सकती. सॉरी डूड, डांस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो सीनियर्स और फ्रेशर के सबके सामने मजाक बन जाएगा. आई एम टेलिंग यू. ओके, डांस नहीं करना है, फाइन, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, वेट. वैसे ये फ्लावर्स मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था, बट अब तुम डांस नहीं करना चाहती तो ये तुम्हारा टास्क है. ये फ्लावर्स तुम्हें स्टाफ रूम में जाके प्रोफेसर को देने हैं और उन्हें बोलना है आई लव यू मिस्टर गोयनका. गोयनका कार्तिक नहीं होता नायर, प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज नैना, मान जाओ ना. कहाँ है वो प्रोफेसर? ओके, सो दैट्स लाइक अ गुड फ्रेशर. अब यहाँ से सीधे जाओ स्टाफ रूम की तरफ, वहाँ पे ब्लू जैकेट में एक डूड होगा और उसी को जाके ये रोजेस दे देना, और उसी को ही देना. जाओ, गो. क्या क्या